सिंधिया परिवार को कभी कुर्सी की दौड़ में शामिल मत करिए। भारतीय जनता पार्टी जन जन के दिल में बसने वाली पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में। सर, 20 साल बाद बिना सीएम फेस के आप लोग मैदान में हैं, सीएम कौन होने वाला है? कहीं आप तो सीएम नहीं होने वाले? सर, आपने इतने तेज रफ्तार में जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मैं एक शब्द में दूंगा, सिंधिया परिवार को कभी कुर्सी की दौड़ में शामिल मत करिए। सिंधिया परिवार विकास और प्रगति और जनसेवा की ललक के साथ दिन रात कार्य करता है। सर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने जो 3 साल कोरोना काल सहित कार्य किया है और उसके पहले 18 वर्ष कार्य किया है, उसी के तहत आज आपका और मेरा मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में से उठकर बेमिसाल राज्य की श्रेणी में आज अव्वल पंक्ति में आ चुका है। जय और वीरू कहा था, उसके बाद वीडियो वायरल हो रहा है भोपाली का, वो सियासत कहां जा रही है? आईटी सेल कह रहा है। देखिए, कांग्रेस की यही ललक है, कांग्रेस जय बन जाए, कांग्रेस वीरू बन जाए, कांग्रेस कमलनाथ जी बन जाए, कांग्रेस दिग्विजय सिंह जी बन जाए। भारतीय जनता पार्टी जन जन के दिल में बसने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जन जन के विकास करने वाली पार्टी है। ना हम अभिनेता बनना चाहते हैं, ना हम अभिनेत्री के साथ खड़े होने चाहते हैं, हम तो केवल जनता के दिल में स्थान पाना चाहते हैं। कितना मार्जिन देख रहे हैं सर? बीजेपी की कितनी सीट? देखिए, अभी मंदिर से मैं आया हूँ, माँ शारदा का आशीर्वाद ग्रहण करके मैं आया हूँ। हम ज्योतिष नहीं है, पर इतना मैं पूर्ण विश्वास से आपको कह रहा हूँ, 3 दिसंबर को आप देख लीजिए, जो 17 नवंबर पर आप और हम और पूरे क्षेत्र के लोग आशीर्वाद प्रदान करेंगे, मतदाता एक रूप से भगवान होता है, मतदाता जो आशीर्वाद प्रदान करेगा, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल हर विधानसभा में और विधानसभा के अंतर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी।